शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन हो तुम? यहाँ इस तरह अकेली कहाँ घूम रही हो? ये कौन सी जगह है? ये कोई महल है क्या? यहाँ आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का बिल्कुल नहीं। ये तो वही राजसी चिन्ह है जो सड़ियल घुड़सवार के तीर में और नानी की चिट्ठी में था। अब कन्या की मांग भर दीजिए। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की? ये नहीं हो सकता। बर्बाद करूंगी मैं उसे, जीवन छीन लूंगी उससे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हे मां पे। नानी नानी क्या हुआ नानी? मेरी सुने ना बहुत बड़ी मुसीबत में है अम्मी मां, मैं क्या करूं क्या करूं? तारा बेटा जल्दी से पानी लेके आ। तुम ध्यान रखना। शांत हो जाओ काकी, संभालो अपने आप को। अब तो देखो तूफान भी थम गया है और चंद्रग्रह भी नहीं रहा और जो वो काली छाया थी ना वो भी छट गई है, जो अशुभ योग था ना वो टल गया है। पर संकट तो नहीं चला ना, मेरी सुने ना तू वापस नहीं आई ना, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। दिल छोटा मत कीजिए काकी, मुझे पूरा भरोसा है सुनैना एक दिन जरूर आएगी। पर काकी वो जो लड़का घर में आया था उसका कुछ अता पता है? नहीं पंडित जी, आप तो जानते हैं जंगल में उस लड़के को सांप ने काटा और मेरी बोली सुनैना उस आफत को उठाकर घर ले आई उसकी जान बचाने के लिए। पर उसे कहां पता था कि वो जिसकी जान बचा रही है वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। इस चिट्ठी पर और उस तीर पर एक जैसा निशान क्यों है? ये किसी राजमहल का चिन्ह लग रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पर हाँ, उस लड़की के पास जो तीर था ना उस पे वही राजसी चिन्ह बना हुआ था जो उस राजमहल में हुआ करता था। क्या राजसी चिन्ह? हाँ, कहीं वो लड़का उस राजमहल का तो महल से? ये कैसे संभव हो सकता है? आप ही ने तो कहा था कि राजा रानी तो मर चुके हैं और बरसों पहले वो महल भी अदृश्य हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर वो लड़का उस अदृश्य महल का हुआ तो मैंने इतनी मेहनत की अपने लक्ष्य को पाने के लिए, राजा रानी का विनाश किया, उनके बेटे अधिराज को लेकर महल में आई, उसकी इतनी अच्छी परवरिश की कि उसने मुझ में अपनी पूरी दुनिया देख ली, और आज जब मेरी मेहनत रंग लाने वाली थी तो किसी ने उसमें विघ्न डाल दिया। विवाह संपन्न हुआ। मैंने पूछा विवाह संपन्न हुआ हुआ या नहीं? नहीं नहीं रानी साहब, विवाह संपन्न नहीं हो पाया। फिर तुम्हें भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आखिर कौन है वो जिसने मेरे सपनों के बीच आने की कोशिश की?
मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, नहीं ना? नहीं कनक, इसे तो हम सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे जिस किसने कल्पना भी नहीं की होगी। कनक, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है। पर इसने हमारा विवाह रोक दिया माँ। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? हमने आज तक ना किसी के साथ बुरा किया है और ना करेंगे। आज तक हम सबके साथ अच्छे से रहे और आगे भी रहेंगे। आई बात समझ में? जरूरी नहीं हमेशा हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही हो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर आप सब देख रहे हैं ना इस इंसान ने कितना बुरा किया मेरे साथ। और अब आपकी बेटी के साथ करने जा रहा था, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आ गई। और तुम यहाँ आई किससे पूछकर? और तुमने किससे पूछकर मेरी मांग भरी? हमें कुछ भी करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे वो करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? जब चाहा मांग भर दी, जब चाहा मिटा दिया। आज तो मुझे यकीन हो गया है, ना तो तुम्हें अच्छी शिक्षा मिली है और ना ही अच्छे संस्कार। तभी तो ना तो तुम औरतों का सम्मान करने आता है और ना ही रिश्तों का मान। पता नहीं तुम अपनी माँ का सम्मान कैसे करते हो, या फिर तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि और औरत को सम्मान ही ना दो। बस बार बार चेतावनी दी, उसके बाद भी तुमने हमारी माँ के खिलाफ जहर उगला। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा कि तुम अपनी मौत को तरसोगे। ये धमकी ना इन जैसी डरपोक लड़कियों को देना, जो अत्याचार सह कर भी चुप रहती है, और अगर इनकी कोई मदद करने आए तो उन्हें भी अपना दुश्मन समझ बैठती है। पर मैं ना तो कमजोर हूं और ना ही डरपोक, इसलिए ना तो मैं तुम्हारे इन धमकियों से डरूंगी और ना ही तुम्हारा अत्याचार सहूंगी। इस विवाह में खलल किसने डाला? वो महल, वो राज और वो दिल दहला देने वाली कहानिया। काकी, लेकिन आपने तो खुद कहा था कि महल में जितने लोग हैं सबकी मृत्यु हो गई थी, और फिर अब वो महल भी तो नहीं है ना? हो सकता है वो महल भी हो और उसके अंदर लोग भी, और मेरी सुनहरा भी वही हो। अगर ऐसा हुआ तो महापंडित की भविष्यवाणी सही हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि सुनैना का विवाह का योग किसी राजकुमार के साथ है। राजकुमार कैसे हो सकता है? जब राजा साहेब और रानी साहेब जीवित ही नहीं है तो राजकुमार कैसे हो सकता है? मुझे याद है वो सुंदर परिवार की खुशियों को किस तरह नजर लगी थी। किसकी नजर नानी, किसके बारे में बात कर रही हो? इस विवाह में खलल किसने डाला? कनक, तो अगर चुप नहीं रहेगी तो आज तेरा आखिरी दिन होगा कनक, सिर्फ मेरा और आपका। कनक तो चुप हो जाओ और मुझे मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय सोचने दे। चुप हो जाओ।
हमें माँ हमें माफ कर दीजिए। पहले आप हमें ये बताइए कि ये विवाह संपन्न क्यों नहीं हुआ, किसने रोका इसे? मैंने रोका, मैंने रोका, मैंने रोका। नमो नमो दुर्गे दुर्गति नाशिनी। बड़ी जुबान चल रही थी इस नए की मूर्ति, अब देखना ना इसकी जुबान रहेगी नहीं जान। नमो नमो दुर्गे महिषासुर मर्दिनी। अधिराज कौन है? मैं अधिराज की पत्नी हूँ। अधिराज की पत्नी? दांत देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। आप इस महल में कैसे आ गए? मैं आई नहीं बल्कि मुझे ये लेकर आए हैं जबरदस्ती, और इन्होंने मुझसे जबरदस्ती विवाह भी किया है, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। बंदी बनाओ इसे। नानी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दीदी ठीक भी होगी कि नहीं? वो बिल्कुल ठीक होगी बेटा, सुनैना का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुनैना बिटिया अंबे माँ की बहुत बड़ी भक्त है, मैंने तो बचपन से देखा है वो कितनी श्रद्धा और निष्ठा से माता रानी की भक्ति करती है। जी पंडित जी। बेटा मैं अभी आता। ये लो बेटा माता की चुन्नी, जहां भी सुनैना मिले उसे इसको दे देना। मां अम्बे उसे हर बुराई से लड़ने की शक्ति देंगी। जय अम्बे मां। माँ हमारी बात सुनिए। आप सुनिए हमारी बात। क्या कह रही है लड़की? क्या ये लड़की सच कह रही है? क्या आपने इससे विवाह किया है, हाँ या ना? हाँ हाँ हमने विवाह किया है। पर हम आप क्या करते हैं? आप जानते हैं कि हम आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, और इस लड़की ने हमारी परवरिश के ऊपर उंगली उठाई, यहां तक कि हमसे कह दिया कि हमारी माने में संस्कार ही नहीं दिए। तो आप ही बताइए, क्या हम इसे दंड नहीं देते? यहां तक कि इसने ये कह दिया कि हम इतने बुरे कि हमारा विवाह जिस लड़की के साथ होगा वो इस दुनिया की दुर्भाग्यशाली लड़की होगी। तो हमने इससे ही विवाह करके इसे भाग्यहीन बना दिया। हाँ माँ, हमने इससे विवाह किया, पर इसे दंड देने के लिए। और आप तो जानती हैं माँ, आपके खिलाफ बोलने वालों की हम जान तक ले सकते हैं। हमने तो केवल इसका घमंड तोड़ा है माँ। माँ आप हमसे मुंह मत फेरिए माँ। माँ हमें माफ कर दीजिए, आप चाहे तो हम इसे दासी बना के रखेंगे अपने महल में, और हम कनक से जरूर विवाह करेंगे। माँ सुनिए ना हमारी बात को। माँ कनक, कनक माँ को समझाओ ना। माँ अगर आप चाहें तो हम अभी विवाह कर लेते हैं। अधिराज विवाह का मुहूर्त
समाप्त हो चुका है। याद रखिए, समय और शब्द कभी वापस नहीं आते। ये मुहूर्त उत्तम मुहूर्त था, असाधारण था, इसलिए हमने आपका विवाह इस मुहूर्त में करवाने का तय किया था। पर अब सब नष्ट हो गया, ये मुहूर्त भी और हमारा सबसे बड़ा सपना भी। माँ, ऐसा मत कहिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। इसे बिल्कुल भी माफ मत कीजिए, ये बहुत बुरा इंसान है। इंसान की खाल पहनकर शैतान है ये, इसे माफ मत कीजिए। तो क्या करें हम, बताइए हमें क्या करना चाहिए? न्याय कीजिए और अपने इस बेटे को उसके किए की सजा दीजिए और मुझे घर जाने दीजिए। मुझे यहाँ नहीं आना था, आपका ये उद्दंड बेटा मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पहली बात, इस महल में कोई हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, इसलिए आवाज नीची। और दूसरी बात, सजा किसको और कब देनी है ये हम तय करेंगे, आप नहीं। इस महल के नियम और कानून ना मानने वाले लोगों का क्या हाल होता है ये आप सोच भी नहीं सकती। महल? ये कैसा महल है? जो भी हो, मुझे ना तो आपके इस महल से कोई लेना देना है और ना ही आपके नियम कानून से। मुझे बस अपने घर जाना है। ए लड़की, माँ ने क्या कहा? आवाज नीची है। और तुमने क्या बोला? ये कैसा महल है? ये हमारी माँ का महल है और यहाँ जो कुछ होता है उनकी मर्जी से होता है, समझी? अच्छा, तो क्या तुम अपनी माँ की मर्जी से मुझे यहाँ उठा कर लाए हो? अधिराज, नहीं, इस समय आप रानी साहब के पास मत जाइए। पर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते आपका चेहरा देखना, क्योंकि जब जब हम आपके चेहरे को देखते हैं तब तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा एक लौटा बेटा, हमारे जिगर का टुकड़ा, उसने हमारा सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया। ठीक है माँ, अगर आपको हमारा चेहरा नहीं देखना है तो हम नहीं दिखाएंगे। पर एक बात आप हमारे सुन लीजिए माँ, जो कुछ भी हुआ है ना, इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये घमंडी लड़की आपके खिलाफ जहर नहीं हो गलती ना, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुम्हें माफ कर दीजिए। इस वक्त हम किसी से भी बात नहीं करना चाहते। माँ, माँ मैं माफ कर दीजिए। माँ, माँ ऐसा मत करिए माँ, हमें माफ कर दीजिए माँ, 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 माँ ऐसा मत करिए माँ, हमें माफ कर दीजिए माँ। कैसे माफ करते हैं अधिराज? हमारे लिए ये आज ही का दिन तो निकल गया, और आपको पता ही नहीं है कि हमारे लिए आज का दिन कितना बड़ा था। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। कैसे अकेला छोड़ दिया आपको माँ? आप माँ हैं हमारी, सबसे अच्छी माँ, हम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। हम क्या करेंगे आपके बिना, कैसे करेंगे आप ही बताइए माँ। बताते हैं, उस दासी को नर्क का जीवन दीजिए। आप ही ने कहा था ना कि वो एक दासी है, इतना दर्द दीजिए उसे कि वो तमीज में रहना सीख जाए। आज तक इस महल में किसी ने हमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, उसने की। हम माँ बेटे की खुशियों के बीच कोई नहीं आया, वो आई। आज तक हमारे सपनों को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, उसने की। इसलिए अब आप सोचिए कि उसके इतने सारे अपराधों का कितना कठोर दंड होना चाहिए। Thank you.
हम देंगे उसे दायरा और ऐसा दंड देंगे कि वो सात जन्मों तक घूम नहीं पाएंगे। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। पता नहीं मैं किस जाल में फंस गई, ना तो ये जगह समझ में आ रही है और ना ही यहाँ के लोग। आज हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये चंद्रलेखा किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तो विवाह ना होने का दर्द, ऊपर से रानी माँ का डर, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। चुड़ैले पागल नहीं होती। उस अधिराज के साथ रह रहे कि तू भी खुद को इंसान समझने लगी है क्या? नहीं तो माफ कर दीजिए नानी माँ। माफ कर दीजिए मासी, मेरी 21 साल की तपस्या क्षण भर में बर्बाद कर दी और मैं तुम लोगों को माफ कर दूं? लड़की को बर्बाद कर देंगे। आज इसके कारण हमारी माँ हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब हम इसका ऐसा हल करेंगे कि ये खुद का चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी। वो लड़की कहाँ गई?